सारी सेहत अल्लाह जी नेमत आए। करना गाल मशहूर डॉक्टर जे साथ, प्रोग्राम सेहत जाराज डॉक्टर सायरा बानू जे साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। रब्बी शराहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। प्रोग्राम है सेहत जराज डॉक्टर सायरा बानू के साथ, ने आऊँ या इंजी मेज़बान डॉक्टर सायरा बानू आए मदे के मुझी तरफ सी ए मुझी टीम की तरफ सी बहु बहु ईद मुबारक। गो के बड़ी वासी थी हाँ तो पाँच ईद, बट पाँच मुलाकात ईद के बाद पहली पहली थी रही है, तो ईद की मुबारकबाद तो बनी थी। कोविड 19 या कोरोना के साथ साथ पाँची ईद मनाए ने रमज़ान मनाए, ये शायद बदे की जिंदगी जो अजीबो गरीब रमज़ान हो ने अजीबो गरीब ईद भी। वो ईद जिन में ना पा गले मिली सीखिए, ना मुबारकबाद दी सीखिए, ना बेगा थी ने दावतू खाई सीखिए, लेकिन कोरोना की वजह से पाँ घी चीज़ों में घनी चेंजिस मिली, घनी चीज़ें में घनी चेंजिस मिली, ने इनमें कुछ सादगी जो लेसन भी पाँ मिली जो पाँ हासिल करिए। तो मुझे ख्याल से जो सारी सारी चीज़ अची रही उन्हें के पाके अडॉप्ट करा हुए, ने जो खराब खराब चीज़ अची रही उनके सारी करने की कोशिश करा हुए। जैसे कोरोना आओ ना तो बदे घर में बैठा, घर में वही वही ने बदे जो है कुर्ब कयाम जी निशानियों पढ़ने शुरू कर, तो आऊँ भी पढ़नी हुईस। तो इनमें अकड़ी जगह मुझे नज़र से गुजर जैसे बहु कयामत वटे अची वनी, तो अल्लाह ताला दुनिया में अफजाइश बंद कर दिनों, यानी बच्चा पैदा नहीं थे, लेकिन अलहमदुल्ला पाँच एडा बच्चा पैदा थी रहा पाँ नारी रहा हूँ, ने बच्चे सी पाँजी कायनात में बड़ी रौनक है। अज के प्रोग्राम में ईज रौनक के मद्देनजर रखी ने इन प्यारे प्यारे बच्चे के मुतालिक प्रोग्राम में साथ साथ मेहमान पर्सनैलिटी के बरकए आई हूँ, ने उन पर्सनैलिटी जो तालुक ही है जो नंढा बच्चा जो पैदा थीन था इन्हीं जो डॉक्टर है। जी हाँ, सेहत जराज में पंखाल करूँ तो हमेशा करें डॉक्टर के साथ इन्हीं जी पर्सनैलिटी से मुतालिक भी पहले के बता रहे हैं कि डॉक्टर इन ने की इन फील्ड में आवा, ने बच्चे की क्रोफ स्पेशलिटी जो है वो डील करन था। मुझे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद कामरान यूनिस साहब, ने आए यो फेलोशिप करी आयो पेडियाटिक कार्डियोलॉजी में आगा खान सी, जे अलावा जियाउद्दीन में भी हूं था, ने लियाकत नेशनल में भी हूं था, ने भी घनी जगह से पोते की स्पेशलिटीज की वजह से इन पोते की मौजूदगी रखन था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कार्डियोलॉजी बच्चे के हवा से जो नंढा न्यूली बॉर्न बच्चा हूँ जिनमें कार्डिक इशूज हूँ, तो वो एल से रेयर फील्ड है, इनमें बहुत ओछा डॉक्टर अचन था, मुझी नजर में बहुत ओछा डॉक्टर इनमें आए एक सर फेरिस जसाना मेमन कम्युनिटी में स्पेशली। जी रेयर तो हाँ पहले हुआ, हाँ तो खैर ऐसा ऐसा जी वक्त गुजरी रहा है अलहमदिल्ला, हाँ पाकिस्तान में काफ़ी लोग इनमें अची रहे, पहले तो पंजाब में वधारे हुआ, हाँ खैर सिंध में भी है काफ़ी जगहों से आ खान में इन इलाका नेशनल में ऐसा लोग एन एस सी वी डी में इन। अच्छा, तो डॉक्टर्स तो खैर ऐसा ऐसा अलहमदिल्ला अलहमदुल्ला, तो ये बहुत वही गाल है जी पर्सनैलिटी जो पाँच साथ मौजूद है वो पाकिस्तान में मेमण कम्युनिटी के अंदर कराची के अंदर वाहिद डॉक्टर जो पीर्स की कार्डियोलॉजी में स्पेशलिटी रखन था। डॉक्टर साहब बच्चा किन के सारा नथा लगन, बहुत खूबसूरत अल्लाह तला की नियमत है, वो नियमत है जो बिन मांगे मिले थी इंसान के, मतलब बिन मोल है जिनके चाहे अल्लाह डे। लेकिन आऊँ चूंकि पुत्र प्रैक्टिस करानी ना नारी दी वाती अजकल जे मुझे वे भी केसेस जो अचन था तो 50% जो है इनफर्टिलिटी वारे अकड़ो तो जो अलग कॉजेज इन, लेकिन साथ साथ जो बच्चा अचन था भी पैदा थी ने तो उन्हीं में ये बहु वो कंजनाइटल जो प्रॉब्लम्स इन जिनमें कार्डिक में दिल में सुराख हो या ये चीज़ों हों, तो ये असा के थोड़ो असें सुनने वाले के बता रो जो ये हेरिडिटरी हो तो या कोई मिस हैंडलिंग सी थे तो या प्रेगनेंसी जे में कोई लैप्सिस थी था अड़ो क्रोध हुए तो जब बच्चा पैदा थी था जब अड़ो थे तो अक्सर जो है वो जॉइंट फैमिली हुई थी तो ससु जो है वो हमेशा नू के चुन तू जाए लोग इसकी अड़ो करिया होना जब बच्चों अड़ो पैदा थे एग्जैक्ट इथियोलॉजी तो खैर खबर नहीं आज तक साइंस के नहीं खबर पी, लेकिन बहरहाल मल्टीपल मुख्तलिफ इन जहाँ रीजन्स इन जो चूं था कि इनमें बाज़ूक़ात माँ जी बीमारी हूँ कि शुगर माँ के शुगर हुए अगर दौरान जज की, या जो है माँ कोई दवाइयों वगैरह कोई गिनी हुए
झट कुछ बीमारी खुदा खास्ता अगर हुए या भी कोई दवाइयों जड़ी गनी जैसे थायराइड अगर उनकी कमी बेशी उन दवाइयों गनी रहे तो उनमें दिल के इफेक्ट पे सकते। इन अलावा जो है थोड़ा सा जो है जो पाँच माहौल जो जो अफेक्टर्स होता उनने होता तो यानी एग्जैक्ट तो खैर उन्हें बातों का जी आती भी होती लेकिन मल्टीपल फैक्टर्स हैं बेसिकली इन्हें कोई ऊन है क्या है क्या पिन पॉइंट कर सको कि ये खड़ी अगर कोई चीज़ होनी तो इन वैसे दिल का मसला थी ना। अच्छा तो ये किन स्टेज से जी ने बा खबर पोई थी क्रो एडो थे तो जे प्रेगनेंसी जे ड्यूरिंग भी अंदाजो थे उन्हें। अच्छा ने साइंस ने इतनी तरक्की करी चुकी है कि पा ये बीमारियों जो है पैदाइश से पहले बच्चे जो मालूम कर सको तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी टेस्ट थी रहे असा लोग लाख नेशन में भी टेस्ट करूँ था जो दौरान की 20 हफ्ते की उम्र के बाद जो है बच्चे की उनके बाद ये टेस्ट थी सकन था माँ पेट में अल्ट्रासाउंड करी ने पा बच्चे दिल की मालूम कर सको कि कोई सुराख तो ना या कोई और खुदा ना खास्ता पिछदा बीमारी तो नहीं दिल जी मालूम थी सके तो अच्छा मालूम थी तो जी। अगर एडो चीज आए जे 20 हफ्ते जी प्रेगनेंसी हो इन में ई टेस्ट करो ज्यादातर बदे कराइन ता या जिनके खच्चो हने आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस थी नहीं मिली तो थी रहन वधारे थी रहन पहले ना थी ना ये के उन जे फायदो ये के खुदा ना खासा कोई घणी पेतीज पेचीदा अगर कोई बीमारी है तो पा उनके पहले काउंसिल कर सको ता उन जे जो हने तो इलाज भी अच्छी रहे खैर माज पेट अंदर ही जो बच्चे जो आए इलाज कर सको ता अगर बाल तंगी वगैरह ये एडवांसमेंट भी अच्छी रही आहिस्ता आहिस्ता इनके अलावा जो है अगर खुदा ना खास्ता अड़ी पेचीदा बीमारी है जिनको इलाज ना है तो बच्ची आए माँ के पेरेंट्स के काउंसिल कर सको था कि जी आए इनके अबॉर्ट करवाए दो अगर उन्होंने एडी कॉम्प्लिकेशन दिन जो कि आए इतने वो नहीं कर सको इनके इलाज नहीं बढ़े या जो है बच्चे के कॉम्प्लिकेशन सामना करना खबनो तो इले बाजों का एडवाइस मिली तो वालदेन के। अच्छा जी अच्छा ये बता रो जो आई बता रही है तो बहुत सारी आई पॉजिटिव गल बता रही है जे मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जे आइडेंटिफाई भी थी तो ने कि मालूम थी तो ने जब बच्चे के दिल में सुराख है या मेरी कोई भी कोई कॉम्प्लिकेशन है जो कार्डिक से रिलेटेड स्पेशलिटी जो क्या है जी कार्डिक जी एलएस कार्डिक पे फोकस करना है तो उन टेस्ट करने के बाद वो ट्रीटमेंट भी टाइम पे थी सके तो अनलेस एंड अनटिल जो कोई वधारे सीरियस इशू ना होए। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर बच्चों को टेस्ट नहीं थियो मां जो ने डिलीवर थी उन्हें डिलीवर जे बाद कितने टाइम बाद एड़ो एहसास थे तो जिन में कोई मसलो है या एड़ो क्रो मेन एड़ो नर थियो तो क्रो जे पांजे ना बच्चा पैदा थिन था ते पांजी लेडीज के मोमन पहलो बच्चो होय तो बिल्कुल आईडिया न थो है ना छोकरो नडी होती तो वो मिस हैंडल भी थी था उन्हें तो कोई एड़ा सिम्टम्स हो ना प्रोमिनेंट जिनके नारे जे बाद फौरन आइडेंटिफाई थे हां भाई ये मसलो लगी रहे फौरन के एड़े डॉक्टर के मीने दिखाड़ा। अच्छा बच्ची तमाम दिल की बीमारी जो है वो फ़ौरन पैदाइश से बात नहीं करनी बाज बीमारी होती जो फ़ौरन पहले हफ्ते में कटी होती बाज बीमारी होती जो कि बोतरे हफ्ते बाद या छः हफ्ते बाद प्रेजेंट करें थी ने बाज बीमारी होती जो कि सालों में गुजरी तक खबर नहीं पवी कि बीमारी आई भी कहना। अच्छा तो अड़ी बीमारी भी होती वो किस्म की बीमारी होती दिल की अकड़े तो है कि पैदाइशी बीमारी होती नकड़ी होती जो कि बड़े उन्हें खबर पड़ती है कि वो पैदाइशी ने उन्हीं बाजों का वो अक्वायर्ड बीमारियाँ सच होता है अक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ है जो पैदाइशी बीमारी उनमें बची है कि मुख्तलिफ स्टेजेस से प्रेजेंट करती हूँ अगर घणी शदीद नौयत की बीमारी है या अड़ी बीमारी है जिनमें जो है जिसम के खून की रवानी या फेफड़ों के खून की रवानी है उनमें तंगी है शदीद नौयत की तंगी है तो वो बच्चा यूजली जो है फर्स्ट वीक पहले हफ्ते में पैदाइश के बाद जो है प्रेजेंट कर देता ने कुछ अड़ी बीमारियों थी जिनमें जो है जो खून की रवानी जो मसलो होता है उन बेसिकली फेफड़ों की तरफ खून की रवानी वधारे हुए थी तो वो यूजली प्रेजेंट करने तकरीबन 6 से 8 हफ्ते में बच्चे जो फेफड़े प्रेशर ऐसा ऐसा कम थी था तो उनके बाद प्रेजेंट करन था उनमें यूजली जो तो जो पैदाइश से प्रेजेंट करन था उनमें यूजली जो प्रॉब्लम हुई थी वो ये थी कि अगर फेफड़ों की तरफ रवानी कम है तंगी की वजह से तो वो ब्लू थी वन था वो साइनोज थी वन था बच्चा नीरा पी वन था ने जो बच्चा अगर फेफड़ों तरह वधारे खून नीर हुए तो उनमें पची सांस की रफ्तार तेज हुई थी बाजों का जो 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 मेन शरियान जो कि साफ खून में उनमें तंगी हुई थी। अच्छा। उनकी वजह से बच्चा बिल्कुल बीमार थी शदीद बीमार थी उन्हें तो उनमें अगर बाल जी तंगी हुए या पची मेन शरियान में तंगी हुए तो वो बच्चों बिल्कुल ही निढाल थी उन्हें तो बिल्कुल ही जो है फेलियर के साथ प्रेजेंट करे तो अच्छा। तो मुख्तलिफ वो उनती हाँ डिपेंड करे तो कि बीमारी है अगर जो है जो अकड़ो कॉमन होल जो अकड़ो BSD जिनके चुके होता जो कि जो दिल के नीचे वाले पर्दे में सुराख हुए तो सही वो यूजली प्रेजेंट करे तो तकरीबन 6 से 8 हफ्ते की उम्र के बाद सही है वो प्रेजेंट ही करे तो कि जी फेफड़े प्रेशर पई वन था उनके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो फेफड़े तरफ खून की रिमानी वी वे थी उनकी वजह से जो है फेफड़ा गीला थी वन था फेफड़ा गीला थी तो उनकी वजह से बच्चे के सांस में तकलीफ़ थे थी
ने बच्चे जी सजी जो एनर्जी जो भी निकली रहे तो वो सजे सांस इन में ज़ाया थी वे थी तो बच्चों कमज़ोर थी वे तो बच्चों फीड नहीं करे पैन उन्होंने ये अलामत थी थी। अच्छा जी फीडिंग में मसल होता बेसिकली फीडिंग में मसल हो जाए तो सुमे भी नहीं सिग्नल हुए जी 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 मेन जो प्रॉब्लम अच्छी थी वो फीडिंग में अच्छी थी माँ चंद बच्चों खीर नहीं पी रहे हो खीर नहीं पी पा रहे हो सही जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये तो आए बता रहे ब्लू ब्लू थी जा तो बया भी घना साइन सिम्पटम्स होता है बच्चा कोई बच्चा तेरा होता जो रून था तो अक्सर ब्लू थी था ये क्रो वजह हो उन जो भी उनमें ये होता है कि बाज़ औक़ात जो है वो मुझे मुख्तलिफ़ रीज़न ये उनका अकड़ो तो दिल के मसला हूँ था या बाज़ औक़ात जो है दिमाग से प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें उन तो या दिल के तारों जो मसलो हुए तो जिनमें दिल के जो हार्ट बीट होती है उनमें रेगुलरिटी होती है अरिथमियाज़ वगैरह उनमें थी सके तो या बाज़ औक़ात जो है मथे जो दिल के चार चैम्बर्स में जो मथे जो चैम्बर्स हूँ था उन परदे में जो सुराख हुए थे बाज़ औक़ात तो उनकी वजह से बाज़ औक़ात ये थी वे तो या बाज़ औक़ात सिर्फ खून की कमी के बच्चों में अगर खून की कमी हुई उनकी वजह से भी जो है नीरोपन थी सके तो अच्छा तो डॉक्टर साहब ये जो या इनके एपनिक स्पेल चुनता तो ये बेसिकली खून की बीमारी हुई थी खून की अगर कमी हुई थी तो उनमें जो है एपनिक स्पेल्स उधार उन उनमें नीरोपन थे तो ही थे तो। अच्छा जी अच्छा तो ये तो गल थी भी जो पाने जो पर्दे में सुराख है ना ये लोग ट्रीट करो था या तो ये मदर इंटरनली की हील थी नो नो मतलब की ट्रीटमेंट थी नो लेजर के थ्रू ना उनमें जो है एंजियोग्राफी तरह के प्रोसीजर होता है बेसिकली एको गाइडेड या अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो है एको गाइडेड प्रोसीजर थी था उनमें वो आइन तो खाना ड्रामना सा प्रोसीजर अगर नारो तो लेकिन ये कि वो पाकिस्तान में फिलहाल नहीं थी रही लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह अगले वो चार पाँच बार में पाँच बार में इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी ये तरीका इलाज शुरू थे वो बेसिकली हुए तो कि अगर बाल जी तंगी वगैरह हुए तो उनके दूर कर सकूँ तो उनमें बेसिकली जो है वो माँ जे पेट हाँ वो माँ जे पेट के थ्रू बनता है बच्चे बच्चे जो थ्रू वायर वगैरह पर कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है तो खैर रिस्क तो आई लेकिन हाँ आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट थी मिली रही है पहले तो घनी मोर्टेलिटी हाई हुई इन प्रोसीजर में लेकिन हाँ काफ़ी इंप्रूव थी मिली रही है। अच्छा ये तो थी जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है जो अब वी हफ्ते के अंदर मालूम करी वनू तो अगर खुदा न खास्ता अड़ो कोई साइन एंड सिम्पटम अची रही है या बच्चों की नॉर्मलिटी दिसाई रही है तो पा इनके ट्रीट करने की जो कि पाकिस्तान में घड़ी पॉसिबल नहीं पा फिलहाल इनके सिर्फ गाल करी रही है लेकिन आफ्टर डिलीवरी जो बच्चे के दिल में सुराख है साइन एंड सिम्पटम भी आवा चेकअप थो मालूम थी वो तो इनके बाद ये सर्जरी कितनी डिले करी थी उन ने कितनी उम्र तक थिए थी ने इनजो क्रो प्रोसीजर हुए तो वो अगेन डिपेंड करे तो कि नोयत कुर बीमारी जी ना अगर बीमारी सिर्फ नीचे वाले पर्दे में सुराख जिनके वी एस डी चो है तो वो हाँ दुनिया भर में तो खैर इतनी एडवांसमेंट थी भी है कि वो विद इन फर्स्ट मंथ या फ्यू मंथ ऑफ लाइफ में जो है उनके ट्रीट करी दें उनके सर्जरी करी रिपेयर करी दें था लेकिन असा जैसे पाकिस्तान में फिलहाल एतरो है कि तकरीबन चार पाँच किलो कम अज़ कम वजन होता तो इन सर्जरीज थी रही इन बच्चे की जी जी वाटर ज़रूरी ने वो डिपेंड करे तो कहीं वे सर्जरी स्पेशलिटी कितनी एडवांस्ड है तो किक सेंटर पाकिस्तान में करी अल्हम्दुलिल्लाह कराची में इनपो सेंटर करी रहे लाहौर में थी रहे एन आई सी बी डी में थोड़ा वे बच्चे थी रहे ऑपरेशन बरा लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता हाँ करना शुरू करी रहे हैं खैर जी जी प्रोग्राम में डगन ने पाना डोसो ब्रेक जल्दी वापस अचूँ तक मावनजा सेहत जराज डॉक्टर साहिरा बानो के साथ सारी सेहत अल्लाह जी नेमत है करना गाल मशहूर डॉक्टर के साथ प्रोग्राम सेहत जाराज डॉक्टर साहिरा बानो के साथ सारी सेहत अल्लाह जी नेमत है करना गाल मशहूर डॉक्टर के साथ प्रोग्राम सेहत जाराज डॉक्टर साहिरा बानो के साथ वेलकम बैक प्रोग्राम है सेहत जराज डॉक्टर साहिरा बानो के साथ हमें साथ मौजूद हैं नंढे नंढे प्यारे प्यारे बच्चे जो डॉक्टर साहब पोते भी माशाल्लाह काफ़ी यंग इन ने काफ़ी स्मार्ट पर्सनैलिटी सी इन पाके यकीन नहीं चाहिए जो पाँची मेमन कम्युनिटी में एतरो ज़बरदस्त टैलेंट मौजूद है नारो अज पाँच साथ मौजूद इन पहला मेमन कम्युनिटी जो डॉक्टर जो कि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में डील करी दें नंढे बच्चे की कार्डियोलॉजी में डील करन था ब्रेक सी पहला घनी गाल करी आयूँ
दिल के सुराख के बारे में, मथे के चैम्बर जो सुराख नीचे, डॉक्टर साहब आसान लफ्ज में बता रो माए के की खबर हुई मथे चैम्बर ने नीचे चैम्बर करो उनो कुछ थोड़ो सो ब्रीफ करी ने सके बता रो ने साथ ही साथ इन प्रोसीजर जी जो थोड़ी गल पांजी कंटिन्यू हुई इनके भी मुकम्मल करूं ते ने जे बाद भी थोड़ो सवाल आऊं करने साई सी तो मथे बेसिकली तेजे चार खाना हूं था जो सीधी तरफ जो मथे नंडे नंडो खानो है तो पछी नीचे वडो खानो है तो ने उडी तरफ भी हिज नंडो खानो ने नीचे वडो खानो है तो थोड़ा सा ऐड करी दिया जे एंगड़ी करीब बकरी दचन वाली है तो बकरे जो दिल के कपी ने नारी गिंजन में चार खाना है के वो आराम से डिसाइड होना था कि समझ में तो मथे जो वो चैंबर उन्हें बीच में पर्दो है तो ने नीचे वाले जो चैंबर्स होते उनमें भी पर्दो है तो नॉर्मली उनमें बच्चे जो मां के पेट में तड़े मथे वाले चैंबर में जो पर्दो है तो उन सुराख तो नंडो ने अकड़ी अक्सर शरियान हुई थी जो जिसम शरियान ने फेफड़े शरियान के मिड़ाई थी वो बोई चीज़ों माँ के पेट के दौरान जो बच्चे हुए तो ज़रूरी होती उनके बगैर लाइफ मुश्किल थी वे थी लेकिन पैदाइश के बाद उन्हें जो कम खत्म थी वे तो बच्ची आहिस्ता आहिस्ता जो है तकरीबन जो शरियान है वो तकरीबन हफ्ते भर में मेजॉरिटी ऑफ बच्चों में बंद थी वे थी इन्हें जो फेफड़ा जो सुराख हुए तो मथे वाले पर्दे में वो भी तकरीबन 6 महीने की उम्र में तकरीबन 80% बच्चों में बंद थी वे तो खुद ही बंद थी अच्छा, जी ओके। लेकिन जो नीचे वाले चैम्बर होते हैं उनमें नॉर्मली सुराख नहीं होना वो सुराख जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो वो जो है अगर नंडो सुराख है तो वो बंद थी सके तो या अगर वो गोश्त के अंदर सुराख है तो वो भी बंद थी सके तो लेकिन अगर वो बड़ो सुराख है या मेम्ब्रेनस पार्ट में जो दिल की मेम्ब्रेन उनके अंदर है तो वो सुराख यूजली बंद नहीं थी उनके लिए बंद करने बच्चे सर्जरी कर सकूँ था बाजूकत अड़ा सुराख भी उन था नीचे वाले पर्दे में जो कि एंजियोग्राफी के थ्रू छतीस जरिए बंद कर सकूँ था अच्छा। जो मथे वाले चैम्बर में जो सुराख हुए तो वो भी हिंच वो तरीका उनका इलाज उनमें यह सर्जरी से कर सकूँ था बंद या जो है एंजियोग्राफी करें छतरी लगाने बंद कर सकूँ था उन सुराखों इनके अलावा जो है पैदाइशी मसलों में ब्याह जो मसला उन था उनमें यह कि वाल की तंगी हुई थी तो वाल की तंगी के एंजियोग्राफी के थ्रू बलून कर खोली सको था जी ने जो जी जी हुई थी ने इनके अलावा जो पैदाइशी मसला जो ब्याह उन था बच्चे जो वही होता कि जो एक्स्ट्रा शरियान पी डी ए जिनके चुन था वो पैदाइश के बाद अमूमन मेजोरिटी बच्चों में बंद थी उन्हें तो लेकिन अगर बंद नहीं थी तो उनके बच्चे बंद कर ले भी एंजियोग्राफी प्रोसीजर शुरू कर सकूँ था तो लगभग ये पॉसिबिलिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें जो हाँ आहिस्ता काफ़ी इम्प्रूवमेंट है इन्हीं जो जो इन जो प्रोसीजर्स इन सर्जरी है या एंजियोग्राफी है इनका रिजल्ट भी घना बेहतर थी घना बेहतर है ने अगर वक्त से पहले वक्त में अगर आई कराए सको तो इन्हें जो आगे बच्चे जो लाइफ जो ऑलमोस्ट नॉर्मल थी इनमें सर्वाइवल चांस कितना है डॉक्टर घना सारे तो घना सारे इनफैक्ट जो वी एस डी क्लोजर जो सर्जरी है या प्रोसीजर जो एंजियोग्राफी प्रोसीजर इन ऑलमोस्ट 95-99% सक्सेस रेट है ओके जी वो तो आई ना जितनी एडवांसमेंट थी तो आएंगे करो लगे तो जे अकरो कितरो फिगर उनो कितरो परसेंटेज उनो जो बच्चा नॉर्मल जितरो डिलीवरी थी में कितरा परसेंट 1% 2% 3% कितरा परसेंट मेरा बच्चा थे तकरीबन 1% आए कंजनल हार्ट डिजीज के 100 बच्चा पैदा थिन में अपने बच्चे के तकरीबन हुए थे जी हुए थे जी लेकिन पांचे का पांचे मुल्क में कितना बढ़ता है तकरीबन इतरो ही जाए जी 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 तो आएंगे ज्यादातर बच्चा किन एरिया से बाजार में बनता तकरीबन हर वो कम्युनिटी से बनता लेकिन यूजुअली जो सच नारन में आवे के मिडिल क्लास ने लोअर मिडिल क्लास जो या उनमें बधारे कंजनिटल हार्ट डिजीज कॉमन आरन में आवे रीजंस अगेन खबर नहीं मगर अकड़ी का ई भी तो थी सिकदर ने बाजार में लोअर मिडिल क्लास में प्रेगनेंसी भी तो बड़ी रफ डील थी जी 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 तो दैट इज वन ऑफ द रीजन प्रोबब्ली शायद इसी वजह से जो है वधारे प्रेगनेंसीज थी एंटी ऑब्वियसली जो लोग अपर क्लास में जी जो मेडिकेशन में भी केयर नहीं थी जी जी प्रॉपर फॉलो अप नहीं थी ना पछि वो एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड वगैरह जो होता वो नहीं थी ना तो ये बदम खड़ी वधारे पछि डिलीवरीज भी वो लो स्टेज थे उन्हें नहीं थी मन घर में थी जी जी दैट इज वन ऑफ द रीजन जी जी बहुत जबरदस्त डॉक्टर साहब वो बड़ी फील्ड बहुत डिफिकल्ट फील्ड है तो कुल चूज करिए आई फील्ड
सच्ची गाल तो ये कि मुझे पहले एक कोई खास रहा तो इन तरफ फोन ना अच्छा। लेकिन वो ऐसा ऐसा रास्ता बनना हुआ तो बच्चे बस पहले बच्चे डॉक्टर बन जाते याद हो वो करूँ खैर हूँ उसके बाद जो है जब पार्ट टू थी इनमें पीडियाट्रिक्स में तो बच्चे सोचूँ कि करो या तो खाली प्रैक्टिस करी ना या बच्चे के करी ना तो बच्चे दिल में ही बस ये आवियो ने ते अल्हम्दुलिल्लाह जगह बड़ी भी आगा खान में अच्छा तो शुरू थी बस जबरदस्त माशाल्लाह आगा खान में करो मतलब कतरो टर्न ओवर है डेली बेसिस से कितना बच्चा इना करो बहुत रे दो बारो घना इन ऐसा ऐसा ने काफी थी नमनी रहन खैर आगा खान में फेलोशिप में घना साल ऑपरेशन आ रही है घना सर्जरीज वगैरह थी नहीं वैसे तकरीबन डेली वीकली जो है तकरीबन 6 से 7 सर्जरीज थी तो एवरेज पर डे तो थी वो ना जी 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 तो मुझे ख्याल है ये केसेस आने वधी रही है ना वधी रही है लेकिन हमें मेन जो चीज़ समझने की ज़रूरत है लोगों की समझने की ज़रूरत है कि ये बीमारियों जो हैं काबिल इलाज हैं हाँ। अगर इन्हें जो वक्त इलाज थी वो तो ये इन्हें जो जो है जो आफ्टर प्रोसीजर आफ्टर सर्जरी आफ्टर एंजियोग्राफी सक्सेस रेट घणो वधारे है अगर खुदा ना खास्ता वक्त गुजरी भी अगर अगर वी एस डी अगर आए फॉर एग्जाम्पल जो कि काबिल इलाज मर्ज है ने जो घणो वधारे सारा रिजल्ट इन सर्जरी के बाद या एंजियोग्राफी के बाद अगर वो वक्त रेते ना कराया तो पची बाद फेफड़े प्रेशर वधी वन था उन सूरत में काबिल इलाज मर्ज जो 99% ताड़ी रहे हैं ये नाकाबिल इलाज बनी मिले तो तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वक्त से पहले वक्त रहने रहने जो है करवाए नो कभी प्रोसीजर तो जो भी कार्डियोलॉजिस्ट है उनसे आए वो करो ने जो है उनके जरूर दिखाना रही हो इन चीज़ के ने जो बाज़ों का अड़ी बीमारी भी होती हूँ जैसे कि जिनके जो नीरा बच्चा थी मिलन था उन्हें में उनमें सुराख बेसिकली हुए तो नीचे वाले पर्दे में ने जो फेफड़े शहर में तंगी भी हुई थी तो उन्हें जो ऑपरेशन है उनमें थोड़ा वो थोड़ा पेचीदा हुए तो लेकिन उनकी भी सक्सेस रेट अलहमदिल्ला पाकिस्तान में बदनी मिली रही है ने वहाँ सारे रिजल्ट अच्छी रहे हैं लाहौर में भी कराची में घना सेंटर्स हैं जो कि ये ऑपरेशन हमें रेगुलरली थी रही हैं सक्सेस रेट बता रहे हैं लेकिन वो प्रोसीजर के बाद भी उन जो डॉक्टर जिन जो भी है उनके ज़रूरी है बताना कि जी ये प्रोसीजर वन टाइम प्रोसीजर ना है इनमें आए कार्डियोलॉजिस्ट से आए कि लाइफ टाइम बच्चे के जुड़े रहने रखनो उनके सालाना या वो साल जड़े भी है बच्चे के ज़रूर दिखाड़ो है जो एको वगैरह थी है तो बातों का कोई कॉम्प्लिकेशन हो जिनका से ना हुए तो जी अच्छा इनमें जो बच्चे के अंदर जो बेसिक ये बदे प्रोसीजर थी वो समझो न्यूली बॉर्न पैदा थो महीने बो तेरे महीने में स्टेबल वेट के साथ इनके ऑपरेशन भी थी बदे थी रेगुलर विजिट्स भी थी रही बच्ची की पर्सनैलिटी में कोई अड़ी कमी रहे थी कोई माइंड सेट इन जो वीक हुए तो या फिजिकल एक्टिविटीज अवॉइड हूँ थी ना अड़ो का अगर वक्त से रहते हुए अगर ऑपरेशन थी हुई है अप्रोप्रिएट टाइम तक अगर जो सर्जरी थी हुई है इलाज थी हुई है तो इन बात तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल इम्प्रूव थी हुई थी नॉर्मल लोग उन ही हुए तो बिल्कुल कोई गुनाह थी ना लेकिन बाज़ बीमारी अड़ी होती जिनमें आए कि फॉलो करना हुए तो जैसे कि जो बीमारियाँ बताड़ू जैसे कि नीचे वाले पर्दे में सुराख है फेफड़े शरीर में तंगी है जिनके टेटोलॉजी ऑफ फेलो चुनता उनमें जो है बाज़ात इलाज के बाद भी बच्चे में थोड़ा बहुत बात का नीरापन थी सके तो या बाज़ात दिल की रफ्तार में या दिल की रिदम में दिल की जो जो धड़कन है उनमें बेतरतीबी थी सके थी तो उनके लिए आएंगे डॉक्टर के ज़रूर विजिट करना खपे ने डॉक्टर के दिखाणो रहना खपे वक्त वक्त जड़े बड़े आएंगे बरके तो साल में या 2 साल में या 5 साल में जड़े भी आएंगे बरके तो आएंगे ज़रूर उनके दिखाणो खपे हाँ इलाज थोड़ा महंगो है लेकिन हुकूमत सतह से भी इलाज थी रही है जिनमें जो है ऑलमोस्ट फ्री भी इलाज थी रही है गवर्नमेंट सेटअप में भी ने प्राइवेट सेटअप में भी अथॉरिटी वेलफेयर जो मैकेनिज्म बनी लाइन बाज़ा सा फंडिंग वगैरह अरेंज करो था इन मरीजों ने तो उनमें सहूलत काफ़ी बड़ी मिली थी जी बच्चे बात जो फॉलोअप सुनता वो भी काफ़ी कॉस्ट हाँ कॉस्ट है लेकिन ये कि जी लेकिन ये साल में एकड़ो प्रोसीजर करवाई रहे हैं ना साल में एकड़ो करवाई रहे हैं डिस्कस पा करिए जिनमें फेफड़े जी शरीयान भी तंग हुई थी ने दिल के पर्दे में भी नीचे वाले पर्दे में सुराख भी हुए तो फेफड़े से रिलेटेड अजी आता हो जो कोरोना पाने फेफड़े ते वैसे ही हमलो आवर थे लो है तो एड़े केस में अगर बच्चों जिन के साथ एड़ो भी प्रॉब्लम हुए प्लस वो अल्लाह ना करे कोरोना जड़ी चीज से भी इफेक्टिव थी तो ने तो उन जो पछी करो उनमें बच्चे फिलहाल तो सच्ची गाल है लोग इलाज ऑपरेशन वगैरह नहीं करी रहा फिलहाल तो असा जो है वो एमरजेंस सर्जरीज वगैरह हली रही इलेक्टिव प्रोसीजर फिलहाल असल नहीं करी रहे क्योंकि जाहिर है अगर खुदा ना खास्ता इन्फेक्शन होने तो उनमें भी कॉम्प्लिकेशन चांसेस रिस्क पड़ी वही मिले तो
तो एड़ा कोई इमरजेंसी केस है जंदा तो उंगली फिलहाल डील नहीं थी रे ऑपरेशंस नहीं ना इमरजेंसी केसेस तो डील कर ही रहे हूं लेकिन ये है कि जो इलेक्टिव केसेस हैं जो के रेगुलर बेस वो फिलहाल ऐसा लोग ना करी ओके बहुत सारी गाल है मेमन कम्युनिटी ले पांजा मेमन सभा बैठाई पांजे ले ज़ियाकत नेशनल में भी इन ज़ियाउद्दीन में भी इन पोते जो प्रोसीजर भी बता रही थी बच्चे के साथ कार्डिक जो जो इशू हुए तो ने जिनमें ज़्यादातर जिम्मेदारी माए मथे ठहराई में अचे थी जब भाई आईजी प्रेगनेंसी में कोई मसलो हो तो कन खोली ने बदे सुनी इनकी जो एटियोलॉजी है जो इनको रीज़न है वो वर्ल्ड में अननोन है यानी दुनिया में अननोन है जिनकी कोई बेसिक खबर नहीं लेकिन हाँ पाँजी गलतियों पाँजी कोताहियों पाँजी लापरवाहियों डेफिनेटली इनमें मैटर करन थी जिनमें डॉक्टर साहब बता रही हूँ बाकी जो दवाइयाँ उन थी कुछ अड़ियो जो बचपन में कोई खातून गनी हुई थी तो वो भी इफेक्ट करे थी ने इनके अलावा जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी पोते जो बच्ची हैं जो वो ख्याल रखो ताकि जो है इन किस्म की कॉम्प्लिकेशन सी पा बच्ची से तो बेसिकली पोते गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन जिनसे कराए रहे इलाज उनसे जो है वो करो के भी दवाई ऐसा ही गिन सकूँ तो लेकिन तो यहाँ के गाइड कर सकनी इन मामले में सही ने साथ साथ ये भी है जो यानी 20 हफ्ते बाद जो नॉर्मली एक अल्ट्रासाउंड जो टेस्ट थी तो हाँ को थी तो उन्हें तो वो कराए एक कराए कौन होता तो डेफिनेटली आए जो बच्ची की पोजिशन आएगी खबर पई थी उन्हें इंशाल्लाह फ्यूचर लगे इंसान जो है वो थोड़ो मेंटली प्रिपेयर भी थी तो उन्हें डॉक्टर साहब आए माशाल्लाह जी ओपीडी से उबा थी ना हुआ ना एतरो वो टाइम असा के दी ना थैंक यू वेरी मच कोई एड़ो मैसेज जो है असाजी पांजी कम्युनिटी के दीनू चाहियो बस ये है कि जो बच्चे जो आम जो कॉन्सेप्ट बच्चे जो लोग हैं वो ये है कि जी दिल की बीमारी जो होंगी नाकाबले इलाज इन नाकाबले इलाज नहीं इन्हें जो इलाज मौजूद है ने पाकिस्तान में अलहमदुलिल्लाह घना सेंटर में इलाज थी रो है सिर्फ ये क्या है कि जो है जो जो बच्चे जो दिल जो डॉक्टर है उनसे कोऑर्डिनेट करना है वक्त रहते हुए इलाज कराना है क्योंकि वक्त से पहले अगर वक्त अंदर अंदर इलाज करवाना तो वो काबिल इलाज ने उन्हें जो सक्सेस रेट भी बढ़ा रहे हैं अगर खुदा ना खास्ता वक्त देर थी भी तो उनमें बची ये नाकाबिल इलाज थी सके तो मर्ज ये बहु वड़ी गाल है कुरेले के पाँच चीज में तो कादिर नहीं हूँ जिंदगी जिनजी जितनी लिखे लिए उनके वो गुजारनी है जो बच्चों जितनी जिंदगी लिखाई नहीं आवा है वो इनजी गुजरनी है मगर उनके की सारी गुजरनी है ये पाँची जिम्मेदारी है जब पाँ किन तरीके से इन जो ट्रीटमेंट करें थे कड़े डॉक्टर वटे उन्हें जो इलाज करें थे रेगुलर बेस से इनका फॉलोअप करूँ थे डॉक्टर साहब आई बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी जजाक अल्लाह सेहत जराज डॉक्टर साहरा बानो जो साथ जो प्रोग्राम में आई आवा जो टाइम दीना मेमन न्यूज़ ले को ऑनर करिया थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच सारी सेहत अल्लाह जी नेमत आई करना गाल मशहूर डॉक्टर जे साथ प्रोग्राम सेहत जाराज डॉक्टर साहरा बानू जे साथ